और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। सानपाड़ा में संजय कपूर के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन, मनपा चुनाव की तैयारी हुई तेज। अप्रैल में होने वाले मनपा चुनाव की तैयारी महाआघाड़ी ने शुरू कर दी है। नवी मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष संजय कपूर का सानपाड़ा में खुला यह जनसंपर्क कार्यालय इसका संकेत दे रहा है। इस उद्घाटन समारोह में कांग्रेस MLA भाई जगताप, NCP मंत्री शशिकांत शिंदे, विजय चौगुले, शिवसेना उपनेता विजय नाहटा, जिला प्रमुख विठल मोरे, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक समेत महाआघाड़ी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष संजय कपूर ने बताया कि यह जनता के फरियाद सुनने के लिए कोई कार्यालय नहीं था, लेकिन अब जनता महाआघाड़ी के इस जनसंपर्क कार्यालय में आकर अपनी समस्या बता सकती है। उन्होंने नागरिकों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। सबसे पहले तो मैं आपके TV1 इंडिया के माध्यम से ये एक संदेश अपनी लोकल पब्लिक को देना चाहता हूँ। उनका ये डिसीजन है, हमारे जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं बाळासाहेब थोरात और नवी मुंबई जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं श्री अनिल कौशिक जी और शिवसेना NCP के माध्यम से हमने ये ऑफिस इधर चालू की है, जनसंपर्क कार्यालय, पब्लिक रिलेशन ऑफिस। हमारे इस एरिया के अंदर काफ़ी पब्लिक को कुछ इश्यूज थे, लेकिन उनकी सुनवाई के लिए इधर कोई नहीं। अब हमने इधर ऑफिस चालू करने का हमारा मकसद ये है कि यहाँ पर कोई भी आदमी सुबह 9 से रात को 10 बजे तक कभी भी आके अपनी हाजिरी बोल सकता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या उनके काम नहीं हुए हैं, क्या उनको तकलीफ है, प्रशासन की तरफ से कुछ तकलीफ है, महानगर पालिका की तरफ से कोई तकलीफ है, कोई भी इशू है, उसके लिए ये जनसंपर्क कार्यालय हमने महाविकास आघाड़ी और अपने कांग्रेस के पहले के लिए चलाया। पिछले इलेक्शन के बाद यहाँ पे क्या चाहिए था, क्या जरूरत थी, क्या सवाल थे, क्या उनके प्रश्न थे, तो वो सुझाए नहीं गए या सॉल्व नहीं हुए हैं। तो आगे आने वाले 5 सालों में अभी इलेक्शंस आए हैं एंड ये इलेक्शन में जनता की क्या उम्मीदें हैं, जनता के सामने क्या क्या प्रश्न है और वो प्रश्न कैसे सॉल्व होने चाहिए, इसके बारे में सोचना महाविकास आघाड़ी की तरफ से यहाँ पे जो कैंडिडेट आएंगे उनका दायित्व है। अभी वो प्रश्न समझना वो भी जरूरी है, इसलिए हम ये कार्यालय के माध्यम से जनता को आह्वान करते हैं, आपके माध्यम से जनता को आह्वान करते हैं कि आपके प्रश्न आप यहाँ पर लेके आइए। अगले 5 सालों में आपकी क्या अपेक्षा है, आपको क्या क्या यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एंड आप आपके प्रश्न कैसे सुलझा सकते हैं, तो उसके बारे में हमें आपका मार्गदर्शन भी चाहिए, आपके क्या क्या प्रश्न है उसके बारे में जानकारी भी चाहिए। जब तक आप आपके प्रश्न छोटे मोटे जो भी प्रश्न है जब तक आप सामने नहीं रखेंगे तब तक हमें भी उसके बारे में ज्ञात नहीं होगा। जो जनरली पता है उसके बारे में तो हम काम करते ही है, करते आए हैं। 2 दिन पहले एक यहाँ पे जो साइक है उन्होंने हमें एक प्रश्न पूछा था कि यहाँ पे एजुकेशन के लिए जैसे कि बच्चों के लिए लाइब्रेरीज या उनके लिए स्टडी रूम ये ऐसे चाहिए जो महापालिका की तरफ से इसकी फैसिलिटी देनी चाहिए, तो ये ऐसे प्रश्न जो है ये हमारे यहाँ के कैंडिडेट महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट उसका आश्वासन दे सकते हैं एंड वो अगले चुनके आने के बाद अगले 5 सालों में उसके ऊपर कार्यरत करके 5 साल तक रुकने की जरूरत नहीं, पहले 1 साल के अंदर ही उसका समाधान आपके सामने रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।